हाय स्टूडेंट, आई एम अनिता पाटिल, क्लास टीचर ऑफ फर्स्ट स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट ईवीएस, यूनिट टू, पर्सनल क्लीनलीनेस एंड हेल्थ। लेसन वन, क्लीनलीनेस ऑफ द बॉडी। वी मस्ट कीप अवर बॉडी क्लीन फॉर गुड हेल्थ। क्लीनलीनेस प्रिवेंट डिसीज एंड मेक्स अस फील फ्रेश। हमने अगर हमारी बॉडी को क्लीन रखा, स्वच्छ रखा, तो हमें बीमारियां होती नहीं है और हमें फ्रेश फील होता है। गुड हैबिट्स फॉर अ हेल्दी बॉडी। डू नॉट ओवर स्लीप, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। डू नॉट ओवर स्लीप, हमें ज़्यादा सोना नहीं चाहिए और टाइम पर सुबह में टाइम पर उठना चाहिए। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और जल्दी से जल्दी हमें उठना चाहिए। सेकंड, गो टू द टॉयलेट, फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज़। गो टू द टॉयलेट, फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज़। उठने के बाद टॉयलेट जाना चाहिए और टॉयलेट के बाद फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज़। टॉयलेट यूज़ होने के बाद नल चालू करना चाहिए। वॉश योर हैंड्स एंड फीट विथ सोप। आपके पैर और हाथ साबुन से धोना चाहिए। स्प्लैश वाटर ऑन योर आईज, रिमूव द डर्ट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ योर आईज। हमें हमारे मुंह पर पानी डालना चाहिए और आईज के कॉर्नर में जो डर्ट होती है वो निकालनी चाहिए। थर्ड, ब्रश योर टीथ एंड रिंस योर माउथ वेल। ब्रश योर टीथ एंड रिंस योर माउथ वेल। हमें ब्रश करना है। क्लीन योर टंग विद अ टंग क्लीनर। टंग भी क्लीन करनी है और किसके साथ? टंग क्लीनर यूज़ करना है इसके लिए। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए। वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस एट नाइट। सुबह में और रात में ब्रश करना चाहिए। टेक बाथ एवरी डे विथ सोप एंड वाटर। टेक बाथ एवरी डे विथ सोप एंड वाटर। वाटर और सोप के साथ सुबह नहाना चाहिए। सोप मीन्स साबुन। वॉश योर हेयर टू। और हमें हमारे बाल भी धोने चाहिए। गर्ल्स विथ लॉन्ग हेयर शुड वॉश देयर हेयर एट लीस्ट वंस ए वीक। गर्ल्स के बाल लंबे होते हैं इसलिए उन्होंने हफ्ते में वन टाइम बाल धोने चाहिए। यूज अ क्लीन टॉयल टू वाइप योर बॉडी एंड हेयर ड्राई। टॉवेल यूज़ करना है, क्लीन टॉवेल यूज़ करना है हमारी बॉडी को क्लीन करने के लिए। कॉम योर हेयर नीटली, और हमारे बाल अच्छे से बनाने हैं। Always wear clean and tidy clothes. हमेशा clean clothes, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। See to it that your clothes do not get dirty. हमारे clothes हमें गंदे करने नहीं है। हमारा जो dress हमने पहना होता है वो गंदा करना नहीं है। Always carry a clean handkerchief. Always carry a clean handkerchief. हमेशा clean handkerchief हमारे पास रहना चाहिए। छोटा रुमाल रहना चाहिए। Do not put your fingers in your mouth or bite your nails, as the dirt collected below the nails will enter your stomach. हमारे जो fingers होते हैं, फिंगर्स के जो नेल्स है वो माउथ से हमें टीथ से कट नहीं करने हैं, उनके लिए नेल कटर्स यूज़ करने हैं। अगर हमें मुंह में अगर वो फिंगर डालते हैं तो उसके नेल्स में जो डर्ट होती है, जो गंदगी होती है, वो हमारे स्टमक में चली जाती है, इसलिए नेल कटर यूज़ करना है। देन यू माइट फॉल ईल। नेल शुड बी कट एट लीस्ट वंस अ वीक।
अगर हम मुंह में वो फिंगर डालते हैं और नेल्स की गंदगी अगर स्टमक में गई तो हम बीमार होते हैं। इसलिए हमें हफ्ते में वन टाइम नेल्स कट करने और किसके साथ नेल कटर यूज़ करना है। इसके लिए क्लीन योर ईयर्स ओनली विद द कॉटन बर्ड। हमारे ईयर्स कान जो होते हैं कान को भी साफ़ करना है और इसके लिए कॉटन बर्ड यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? कॉटन बर्ड। डू नॉट यूज़ एनी शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक मैच स्टिक्स और हेयर पिंस टू क्लीन योर ईयर्स। ईयर्स क्लीन करने के लिए कान साफ करने के लिए पॉइंटेड चीज़ें इस्तेमाल करनी नहीं है, जैसे कि मैच स्टिक्स हेयर पिन, और इसके साथ कभी भी कान साफ करना नहीं है। वो पॉइंटेड होती है और कान में अगर वो गई तो हमें इजा हो सकती है। रिमेंबर गुड हैबिट्स फॉर क्लीनलीनेस। 1. फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज। टंकी का नल चालू करना है और शौचालय साफ करना है। वॉश योर हैंड्स विथ सोप आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट। वॉश योर हैंड्स विथ सोप आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट। टॉयलेट जाने के बाद साबुन से हाथ धोना है। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। दिन में दो बार ब्रश करना है। डू नॉट पुट योर फिंगर्स इन योर माउथ और बाइट योर नेल्स। तुम्हारे जो फिंगर्स होते हैं वो मुंह में डालने नहीं है और नेल्स कट करने नहीं है। इसके लिए नेल्स कटर यूज़ करना है। कट योर नेल्स एट लीस्ट वंस अ वीक। हफ्ते में वन टाइम नेल्स कट करने। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। खाने के बाद और खाने के पहले हमें हाथ धोने हैं। रिंस योर माउथ प्रॉपरली आफ्टर मील्स। खाने के बाद माउथ को अच्छे से साफ करना है, मुंह को साफ करना है। टेक बाथ एवरी डे विथ सोप एंड वाटर। हर दिन स्नान करना है सोप और वाटर के साथ, साबुन और पानी। यूज़ कॉटन ईयरबड्स टू क्लीन योर ईयर्स। ईयर्स क्लीन करने के लिए कॉटन बड्स यूज़ करना है। वियर क्लीन एंड टाइडी क्लोथ्स अलवेज। हमेशा क्लीन कपड़े पहनने हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट पुट अक्रॉस ऑन द रॉन्ग वर्ड। वी शुड हैव अ बाथ।